स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर भाई गुरु चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सजीर भाई गुरु। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। गाइस मेरे पास आया है होंडा कंपनी का लीबो बाइक आया है और इस बाइक में पोल्यूशन आ रहा था और कुछ साउंड ख़राब आ रहा था, जो पिस्टन हम लोगों का ढीला हो चुकी था। तो बाइक मुझे इंजन का काम कराना पड़ा मजबूर में, तो बाइक में पोल्यूशन ज़्यादा होता था और इंजन का साउंड थोड़ा ख़राब था। तो मैंने सोचा इंजन तो खोलूँगा, बट एक इंजन बनाने से पहले आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दो। जो मेरे चैनल पर होंडा बाइक का लीबो का इंजन का वीडियो नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ और जानकारी आप लोगों को दे दूँ। और इस वीडियो में आप लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप फिटिंग करके दिखाऊंगा। और एक इंजन अगर आप लोग होंडा लीबो खोलते हो तो क्या क्या मेन चीज़ पार्ट होता है, किस तरह से आप लोग चेकअप करें जो कौन सा पार्ट ज़्यादा ख़राब होता है, और क्या क्या हम लोगों को डालना सही है, और इंजन अगर हम लोग बनाते हो तो क्या क्या चीज़ को हम लोग चेकअप करें। तो इस वीडियो में आपको पूरी मदद मिलेगा, पूरा जानकारी दूंगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सो गाइस, मैंने सबसे पहले इंजन जो हेड सिलेंडर है और मैग्नेट चैम्बर सब कुछ खोल लिया है। बाइक को मैंने चला के देखा था, उसका पिकअप भी ठीक था और टर्न शक्ति भी ठीक था, जो क्लच प्लेट ठीक है, तो उस साइड हम लोगों का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है सिर्फ हेड सिलेंडर और मैग्नेट साइड में। तो इसमें हमने चेकअप करके देखा, कनेक्टिंग रॉड हम लोग सही मिला हमको। कनेक्टिंग रॉड आप लोग किस तरह से चेकअप करें, तो यहाँ से अगर हम लोग इस तरह से ठेले तो चेकअप थोड़ा प्ले आएगा नया लगाने के बाद। अगर ऊपर नीचे करें और इस तरह से हम लोग बाड़ी मारें, अगर खटखट कर रहा है तो कनेक्टिंग रॉड का काम कराना पड़ेगा। तो गाइस फिलहाल मेरा कनेक्टिंग रॉड सही है, मैंने चेकअप किया, जैसे कि थोड़ा इस साइड प्ले है लेकिन इस साइड से प्ले नहीं है, तो मैंने सोचा इसको रिपेयर नहीं करूँगा और नहीं खोलूँगा। इंजन खोलने का ज़रूरत नहीं है, पूरा पार्ट्स को वॉश कर लिया, यहाँ रखा हुआ है और आज हम लगाएंगे, क्या क्या आप लोगों को बताता हूँ। तो गाइस यहाँ जो हम लोगों का ब्लॉक किट है, ये ब्लॉक किट हम लोग न्यू असेंबली करेंगे, क्योंकि ब्लॉक किट हम लोगों का ख़राब हो चुकी है और इसका कारण क्या होता है, बाइक में पोल्यूशन आता है, तो हम ये चेंज करेंगे। उसके बाद हम लोग टाइमिंग चेंज करेंगे, ठीक है। और ये गलती कर दिया था एक मैकेनिक ने, जैसे कि हम लोगों का एक टाइमिंग चेन में हम लोगों का एक ही होता है पंप होता है, तो इसमें ये हाई स्प्रिंग दे के रखा था, इसका कारण टाइमिंग चेन जल्दी ख़राब हो जाएगा और साँ साँ आवाज आएगा। तो गाइस हम लोग करेंगे क्या, लो स्प्रिंग डालेंगे और टाइमिंग चेन डालेंगे और ब्लॉक किट और हेड को दिया है लेथ पर रिपेयरिंग करने के लिए, वाल्व लगाने के लिए और पूरा ग्राइंडिंग करने के लिए, तो लेथ से हेड आ जाएगा। बट हम लोगों का जो पिस्टन रिंग असेंबली है वो आप लोगों को करके दिखाऊंगा और पूरा फिटिंग करके दिखाऊंगा। तो चलिए हम एक तरफ से आप लोगों को बताते हैं और किस तरह से आप लोग फिटिंग करें। तो गाइस यह है हम लोगों का ब्लॉक किट, हम लगाएंगे हीरो बाइक का, ठीक है, क्योंकि हीरो बाइक का ब्लॉक किट जो है अभी मार्केट में अवेलेबल मुझे मिला, होंडा का नहीं मिला, बट होंडा का कीमत भी ज़्यादा है, तो इसमें कोई घबराने का कोई बात नहीं है, एकदम 100% हो जाएगा। मैंने सेटिंग करके देखा है, पूरा सेटिंग एकदम पूरा वहाँ पे एक है। तो चलो ये एक्स प्रो का है और यह है हम लोगों का जैसे कि लीबो का, तो चलो इस ब्लॉक किट को लगाएंगे। तो कंपनी किस तरह से फिटिंग कर रहा है वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे बाइक में पिस्टन रिंग हम लोग किस तरह से फिटिंग करें, ठीक है। और इसमें दिया गया है रिंग है, गजन पिन है और सार क्लिप है, तो चलो सब फिट करते हैं। तो गाइस हमने एक लॉक लगा दिया है और पिस्टन हम इस तरह से लगाएंगे, तो गजन पिन लगा दिया है, ठीक है, हम लोगों का रिंग फिटिंग करते हैं। तो रिंग का जो ग्रूव है हम लोग रखेंगे इस तरह से, यहाँ देखिए लगा दिया, अब ये वाला को दबा के देखेंगे, आएंगे इस साइड से भाग रहा है तो उसको देंगे इस साइड पर, चलो डाल दिया। अब हम लोग कंप्रेसर रिंग डालेंगे काला वाला, चारों रिंग का ग्रुप चारों साइड में होना चाहिए,
देखो फिटिंग तो हम लोग चारों ग्रुप को चारों साइड कर लेंगे, बट बाद में जब स्टार्ट हो जाएगा तो रिंग का ग्रुप कहाँ जाएगा किसको नहीं पता, कोई भी मैकेनिक बता नहीं सकते हैं। लेकिन कंपनी का जो नियम है उसी हिसाब से हम लोगों को फॉलो करना है। तो हमने एक ग्रुप यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, यहाँ रखा, और वायर रिंग का हमने ऊपर रखा। तो चलो हो गया, अब आप लोगों को स्टेप बाई स्टेप दिखाता हूँ पैकिंग डालेंगे। तो चलो पैकिंग डालते हैं। चलो पैकिंग को डालते हैं। टाइमिंग चेन बाद में लगाएंगे, ठीक है। तो चलो पिस्टन, डाल दिया। अब यहाँ कपड़ा भरेंगे, सर क्लिप लगाएंगे। चलो सर क्लिप लगाते हैं। तो चलिए थोड़ा इंजन ऑयल निकालते हैं और पिस्टन को लुब्रिकेट करते हैं। तो गाइस यहाँ हम लोग थोड़ा लुब्रिकेट करेंगे। बस कर लिया, अब थोड़ा ब्लॉक किट में भी डालेंगे। बस डाल दिया, अब लगाएंगे हम लोगों का पिस्टन लगाने का पुलार। शायद किसी के पास ये नहीं है, मैंने बहुत ही मेहनत करके ये पुलार लाया था। बस अब गाइस चलो भरते हैं, टाइमिंग चेन को बाद में भरेंगे। हमने भर दिया है, अब पिस्टन को आहिस्ते आहिस्ते करके हम लोग सेंटर करेंगे, ठीक है। तो जा चुकी है, अब हम लोगों का कंप्रेसर रिंग जो है एक एक करके हम लोगों को देखना है और ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना है, ठीक है। हल्का हल्का सिर्फ हम लोगों को दबाना है, ठीक है। बस कंप्रेसर रिंग जा चुकी है और वायर रिंग को हम लोगों को दबाना नहीं चाहिए है। आहिस्ते आहिस्ते करके इस तरह से हम लोग करेंगे, ऑटोमेटिक चल जाएगा। चलो पिस्टन को भर देते हैं। बस अब हम लोग आहिस्ते आहिस्ते करके पिस्टन को नीचे भरेंगे। बस हम लोग का बैंजीर बूस है तो थोड़ा हम लोग सेटिंग कर लेंगे मारने के बाद, ठीक है। बस हम लोगों का ब्लॉक किट सेटिंग हो चुकी है। चलो अब हेड लगाने का तैयारी करते हैं, बाद में टाइमिंग चेन लगाएंगे। तो गाइस फाइनली हम लोगों का हेड लेस से आ चुकी है रिपेयर करके, तो बाल ग्राइंडिंग भी कर लिया। अब हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग भी सफाई से लगाए, अच्छी तरह से सफाई करें इसको सब, तब जाके हेड को फिटिंग करें। एक भी कचरा अगर रहे तो क्या होगा, कंप्रेसर हम लोगों का कम आएगा और बाइक में प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। तो चलो अच्छी तरह से हम लोग सफाई कर लेते हैं, और हमने वॉश कर लिया है, आप वॉश कर लीजिएगा। तो चलो अब लगाते हैं, वाल्व को भी सफाई कर लिया। अब हम डालेंगे क्या, वाल्व सील डालेंगे। यह है हम लोगों का नया वाल्व सील, वाल्व सील डालेंगे। तो चलो वाल्व सील को पहले हम लोग लुब्रिकेट कर लेते हैं इंजन ऑयल में देखे, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर अगर वाल्व हम लगाएं तो थोड़ा टाइट जाएगा और ढीला हो जाएगा वाल्व सील। अब हम लोग वाल्व लगाएंगे, तो चलो वाल्व पे भी हम लोग थोड़ा ऑयल लगा देते हैं। बस यहाँ कपड़ा डालेंगे, स्प्रिंग डालेंगे, उसके बाद ये वाला डालेंगे। कोशिश कर रहा हूँ वरना पुलाल लगाएंगे। इस तरह से हम लोग भरते हैं। बस 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 थोड़ा पतला मार्तुल ठेलो। बस मुझे इसी में लगता है क्योंकि पुलार मेरे पास है, पुलार थोड़ा डिस्टर्ब करता है कभी कभी। बस चलो पकड़ो, बस हो चुकी है। तो गाइस आप लोगों को देखा
फिटिंग हो चुकी है। अब कैम से आप तो गाइस कुछ कैम से आपका डिटेल्स आप लोगों को दिखा देता हूँ। कैम से आप में अगर खरोज आ जाता है, स्क्रैच आ जाता है, तो आप लोगों को कभी भी रखना है, नया लगाना है तो मेरा ठीक है। और यहाँ देख लीजिए, ये जो हम लोग का रोलर है, बैरिंग है, इसे आप लोग दबा के देखिए, अगर हम लोग गेज रहा है ज़्यादा और टूट चुकी है तो इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। बट मेरा रॉकर भी सही है, कैमशाफ्ट भी सही है, तो चलो फिटिंग करते हैं। पहले हम डालेंगे क्या, कैमशाफ्ट डालेंगे। तो गाइस 10 mm का नॉट है, इसको लगा देता हूँ। 10 नंबर गुड़ी दीजिए। अब डालेंगे रॉकर, चलो रॉकर डालते हैं। तो गाइस पिन में एक हम लोग का नॉट का पैच का जगह है, उसको आप लोगों को सेंटर करके लगाना पड़ेगा, वरना नॉट नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ नॉट है, ठीक है, तो चलो दूसरे को लगाते हैं। अब नॉट का सिस्टम इस जगह पर है तो इसको इस साइड में देंगे। रॉकर ढीला करना पड़ेगा, नहीं जा रहा है। तो सो गाइस अभी रॉकर हमने ढीला रखा है, रॉकर पोजीशन ठीक नहीं करेंगे, हेड का नॉट लगा के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मेरा कैम सेट सब कुछ फिटिंग हो चुकी है, अब बाइक में फिटिंग करोगे। चलिए तो गाइस टाइमिंग चेन हम लोग इंस्टॉल करेंगे, तो चलो टाइमिंग चेन लगा देते हैं। लगाने के बाद यहाँ किस तरह से लगाया देखिए, बस टाइमिंग चेन फिटिंग हो चुकी है। और ये रोलर अगर ख़राब रहे तो आप लोग देख लीजिए, तो रोलर हमारा ठीक है, हम नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये वाला रोलर भी हम लोगों का सही है, कोई टेंशन नहीं, तो चलो इसे भी हम लोग रख देंगे। क्लिप टाइमिंग चेन ही हम लोगों का ढीला हुआ था, तो चलो टाइमिंग चेन। तो गाइस रोलर को लगाने से पहले आप लोगों को एक चीज़ को गौर कर ले, ये जो हम लोग का बीट है, बीट टाइमिंग चेन का बीच में रहना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोगों का बाइक में साउंड ठीक आएगा, अगर साइड हो जाएगा तो किर किर करके आवाज़ आएगा। ठीक है, तो चलो हमने लगा दिया है, अब बाकी का प्रोसेस आप लोगों को दिखाता हूँ। चलो हेड गैसकेट डाल देते हैं, बस हेड भरते हैं, हेड को पकड़ो ठीक से भरो छेद में, बस हेड को पकड़ के रखो रख, बस बस। तो गाइस अभी यहाँ जो मार्किंग है, लेफ्ट राइट को हम लोगों को रखना है, लेफ्ट राइट। और ये वाला जो पिन है यहाँ दिखाइए, इस जगह पर वहाँ हम लोगों को ग्रुप में गचाना है। तो चलो पिस्टन को टॉप में कर लिए, यहाँ देखिए मैग्नेट का जो लॉक है, मैग्नेट का लॉक को अगर हम लोग इस नॉट के साथ सीधा करें तो ऑटोमेटिक पिस्टन टॉप में चल जाता है। और ये सब हम लोग मैचिंग देख के लगाते हैं, तो चलो लगाने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ टाइमिंग हमने किस तरह से रखा। तो सो गाइस लेफ्ट राइट ठीक रखा है और पिस्टन टॉप में कर दिया है, और टाइमिंग का देखो दोनों छेद जो है हम लोगों का इस साइड पे रखा है, तो टाइमिंग हम लोगों का बन गया है। अब हम लोग रॉकर एडजस्ट करेंगे, 0.8 mm रखेंगे। हर वीडियो में मैं बताता हूँ किस तरह से आप लोग रॉकर एडजस्ट करें, अगर रॉकर एडजस्ट करने का वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो रॉकर 0.8 रखेंगे, रखने के बाद यहाँ असली खेल है, जो टाइमिंग जो हम लोग का चेन है, इसको पंप किस तरह से हम लोग कंप्रेसर किस तरह से लाए वो भी आप लोगों को बताऊंगा, तभी कंप्रेसर नहीं है फिटिंग करके आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो रॉकर हम लोग अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम पंप को रेडी करेंगे। जो
बस 8 mm रखा और दोनों रॉकर हम लोगों का थोड़ा थोड़ा ढीला है, ये नाट अभी ढीला है, मैग्नेट का नाट लगा के आप लोगों को, अब आप लोगों को दिखाता हूँ कॉम्प्रेसर किस तरह से हम लोग टाइमिंग चेन का लाए। टाइमिंग चेन अभी आवाज़ करेगा, ठीक है। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा आप गौर कीजिए, जो हम लोग का पंप सही है क्या, इसमें एक हम लोग का बॉल होता है, बॉल अगर गिर जाएगा तो कॉम्प्रेसर नहीं आएगा। फिलहाल ये कॉम्प्रेसर इसमें आ जाएगा, पंप ठीक है। तो चलो ये पुश रबर है, पुश रहना ये नया, तो चलो इसे लगाते हैं पूरा टाइट। बस अब यहाँ इस छेद के अंदर भरेंगे, भर दिया, अब थोड़ा उसको अंदर घुसाएंगे। अब यहाँ देख लीजिए इस तरह से खिला के दिखा दीजिए, खेल रहे कि नहीं, ये तो खेल रहा है। अब हम लोग लगाएंगे ये वाला, जैसे कि स्प्रिंग लगाएंगे, ठीक है। प्रेशर लाते हैं ये नाट लगाने के बाद। तो गाइस कंप्रेसर लाने की तैयारी करते हैं। ये जो हम लोग का 8 mm का नाट है, इसको हम लोग खोलेंगे, ठीक है। खोल दिया है और यहाँ से हम लोग इंजन ऑयल भरेंगे। इंजन ऑयल हमने भरा और एकदम पंच कर रहा हूँ, करने के बाद नाट लगा देंगे, ठीक है। और थोड़ा इंजन ऑयल यहाँ हम लोग थोड़ा पुश कर देंगे। देखो कंप्रेसर हम लोग का आ चुकी है, देखो ऑटोमेटिक, और ये नहीं खेल रहा है। क्यों नहीं खेल रहा है, इसके अंदर जो वायल हमने दिया और इसको लॉक कर दिया, और ये हम लोग का टाइमिंग चेन पूरा टाइट हो चुकी है। गाइस देखिए पूरा टाइमिंग चेन टाइट हो गया है और कंप्रेसर हम लोग का हार्ड हो चुकी है। अगर इस नाट को खोल ले तो ऑटोमेटिक हम लोग का खेलेगा। तो यहाँ गलती करके भी आप लोग जैसे कि मोटा स्प्रिंग मत दीजिए, पतला स्प्रिंग देने से हम लोगों का पंप काम करेगा, तभी हम लोगों का ठीक बाइक का साउंड क्वालिटी अच्छा आएगा। तो हमने लगा दिया है। अब गाइस हम लोगों का पूरा सिस्टम जैसे कि फिट करेंगे, जैसे कि चलो यहाँ मैग्नेट फिट करेंगे। लगाने से पहले ये पिनियम आप लगा दीजिए। तो चलो हम लगाते हैं। बस फाइनल अच्छी तरह से टाइट दीजिए, ढीला रखने से मैग्नेट लॉक कर जाएगा। लुब्रिकेट करेंगे, थोड़ा लुब्रिकेट कर लेते हैं, बस ज़्यादा नहीं, यहाँ लुब्रिकेट कर लिया। अब हेड का कैप बैग सब कुछ लगा देंगे, इस नाट को टाइट करेंगे। चलो नाट को टाइट देते हैं, पोल्यूशन चेक करेंगे और माइलेज ट्यूनिंग ठीक करेंगे। तो चलो फिटिंग कर दिया, अब स्टार्ट कर दिया बाइक को, साइलेंसर खुला है। चलो आप लोगों को दिखाते हैं पॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं। साइलेंसर लगा के आप लोगों को साउंड क्वालिटी दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए साइलेंसर लगा दिया है, फाइनल आप चेकअप करेंगे। होंडा कंपनी का लीवो बाइक का हमने इंजन का काम करके दिखाया। मेरे पास आया था कस्टमर, मुझे बोला था कि इंजन का काम कराओ, मैं फुल इंजन भी खोल सकता था, बट इसमें क्या होता और भी ख़राब हो जाता, क्योंकि करेंग हम लोगों का ठीक था और क्लच चैम्बर में हम लोगों का जो क्लच प्लेट है वो भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ लगाया है, क्लच भी मैंने ठीक देखा था, बट सब कुछ मुझे ठीक लगा, इसीलिए मैंने ब्लॉक किट डाला और वाल्व लगाया, टाइमिंग चेन लगाया और बस हम लोगों का काम बन गया। अब ये बाइक आराम से 2-3 साल आराम से जाएगा, अगर ड्राइवर अच्छा रहे तो, ठीक है। तो बाइक का काम इसी तरह से करते हैं गाइस,
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आया हो तो हमारा चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। आगे वीडियो बाइक रिलेटिव आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।